रसोई मेरी तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ दही के शोले। दही के शोले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप हंकर, ये मैंने आधा किलो दही ली थी और उसे कपड़े में बांध करके 2 घंटे के लिए लटका दिया था। 2 चम्मच मैदा जो पानी डालकर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, हरा धनिया कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची कटी हुई, 1 मीडियम साइज गाजर क्रश की हुई, 1 शिमला मिर्च कटी हुई, 100 ग्राम पनीर, 1 मीडियम साइज प्याज कटी हुई, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्ची, 1 कप पत्ता गोभी बंद गोभी क्रश की हुई। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही के अंदर पहले पनीर को क्रश कर लेंगे, को क्रश कर लेंगे। ये देखिए हमने सारा पनीर को क्रश कर लिया है। ये देखिए सारा पनीर हमने इसके अंदर क्रश कर लिया है। अब पत्ता गोभी ऐड करेंगे। गाजर ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, चाट मसाला, नमक और काली मिर्च, इन सबको डाल दीजिए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चलिए अब ब्रेड तैयार करते हैं। एक ब्रेड लेंगे, उसके किनारे काट देंगे। ये देखिए हमने इसके चारों किनारे काट दिए हैं। अब इसे बेलन से फ्लैट कर लेंगे। एक किनारे पर इसके थोड़ा सा जो मिक्सचर हमने बनाया वो रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। चारों तरफ मैदा लगा लेंगे जो पेस्ट बनाया था हमने। धीरे धीरे फोल्ड करेंगे इसे। एक पॉलिथीन लेंगे और उस पर इसे रखकर फोल्ड कर लेंगे। इसे हम इसे सेक देंगे हल्का सा दबा दबा कर। एक दूसरे के अपोजिट साइड में दबाएंगे। ये देखिए हल्का सा। ये हमारे इस तरह से बन जाएगा और इसी तरह से सारे ये ब्रेड रोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे ब्रेड रोल तैयार हो गए हैं। अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे। तेल हमारा मीडियम हाई गरम होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो जल जाएंगे और कम होगा तो ये चिपक जाएंगे। इसी तरह से इन्हें अलग पलट कर
सेक लेंगे। ये देखिए हमारे सीख गए हैं, वह मिनी ने बाहर निकाल लेंगे। इन्हें बीच से काट लेंगे। इस तरह से इन्हें काट कर ही सर्व करने हैं। ये देखिए प्लीज रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक।